हाँ जी, तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर सर, वॉइस ऑफ रेन। ऑफ कोर्स पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, और वैसे भी बुक में तो चैप्टर्स के ही अच्छे क्वेश्चंस नहीं होते, पोएम में तो वैसे ही अच्छे नहीं होते, फिर भी मैं करवा दूंगी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कह दूँ, नहीं और सब्जेक्ट की तो भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश की तो एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं होता। अगर कोई इंग्लिश के एनसीईआरटी के भरोसे बैठे उसके बिल्कुल मार्क्स नहीं आएंगे। फिर भी मैं करवा ही देती हूँ, जितने क्वेश्चन अच्छे होते ठीक होते मैं करवा देती हूँ, वैसे ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वॉइस ऑफ रेन, विद क्वेश्चन विद आंसर रीड करो, देन आई विल एक्सप्लेन। पहली बात, वो पार्टिसिपेंट रहता है, हु आर द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पोएम। तो पोएम में कौन कौन लोग हैं? दो लोग हैं ऑफ कोर्स, एक पोएट है और दूसरा क्या, बोर्डली। हाँ बोर्डली मतलब होता है मेनली। मेनली इसमें दो करेक्टर्स हैं, दो लोग हैं, जिसमें से एक है ये आई डॉट ई मतलब होता है दैट इज, जिसमें से एक है पोएट और दूसरा है रेन, और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है दोनों के बीच में, पॉइंट और रेन के बीच में। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन विद आंसर रीड करो। आइडेंटिटी ऑफ रेन। हाँ पॉइंट क्या क्वेश्चन पूछता है रेन से? देखो ये हमने वॉइस चेंज कर दी, पॉइंट ने पूछा था हु आर यू, और हमने आंसर में हाँ, हु आर यू मतलब हु आर यू, और उसका आंसर आप ये नहीं डायरेक्टली लिख सकते हु आर यू का हु आर यू, आप इसके बदले में लिखोगे पॉइंट क्वेश्चन रेन अबाउट हु वॉज शी। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस। तो पॉइंट ने रेन से पूछा कि वो कौन थी, और पॉइंट ने उस रेन से उसकी आइडेंटिटी मांगी, आइडेंटिटी मतलब पहचान, उसका प्रूफ कि वो कौन थी। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं वैसे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन रीड करो। पॉइंट है, पॉइंट यस। हाँ क्या क्वेश्चन है? क्या रेन ने पॉइंट को आंसर दिया? तो यस रेन ने पॉइंट को आंसर दिया, और क्या आंसर दिया रेन ने पॉइंट को? जो क्वेश्चन पॉइंट ने पूछा था रेन से, रेन ने पॉइंट को उसका रिक्वायर्ड आंसर, उसका सही आंसर दे दिया। क्लियर? क्लियर? स्पोर्ट्स रीड करो। क्या चीज अजीब अजीब थी? अगर पोइट किसी भी और इंसान से, किसी भी और बंदे से कुछ बात पूछता वो उसका आंसर देता, दैट वाज नॉट स्ट्रेंज। वो चीज स्ट्रेंज या अजीब नहीं थी, अजीब ये था कि पोइट ने रेन से आंसर किया, रे क्वेश्चन किया, और रेन जो इमोर्टल थिंग है, इमोर्टल मतलब जो बोल नहीं सकती, वो उसने पोइट को रिप्लाई दिया, उसने पोइट को आंसर दिया। तो स्ट्रेंज ये थी कि रेन जो भी इमोर्टल चीज, जो निर्जीव चीज है, उसने पोइट को कैसे आंसर दे दिया, वो चीज स्ट्रेंज है। क्लियर? फिफ्थ रीड करो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा था पॉइंट ने रेन से? रेन ने से पूछा था कि तुम कौन हो, हुआ रही हो वाशी। आंसर देते हुए पॉइंट को बताया दैट ही वाज द पोएम या सॉन्ग ऑफ द अर्थ, कि बारिश जो है वो या तो गाना है या पोएम है अर्थ की। पोएम वो रेन वाज द सॉन्ग ऑफ अर्थ, या रेन वाज द पोएम ऑफ अर्थ। इतनी बात क्लियर? हाँ, मैं भी यही सोच रही, शी कर देना इसे, शी वाज द सॉन्ग ऑफ अर्थ। ठीक है, सिक्स्थ रीड करो।
तो क्वेश्चन ये है सिक्स कि क्या अर्थ को रेन से कोई फायदा है? तो आंसर है यस, रेन से अर्थ को बहुत फायदा है। रेन की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, रेन की वजह से ही सारे मेंबर्स ऑफ द अर्थ मतलब इंसानों को, ऑर्गेनिजम्स यानी जीव जंतु को, एनिमल्स को और प्लांट्स यानी पेड़ पौधों को फायदा होता है। क्लियर? सेवेंथ रीड करो। ओरिजिन मतलब रेन कहाँ से शुरू होती है, रेन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो रेन जो शुरू होती है वो अर्थ की कोर से, एटर्नल था ना एक उसमें वर्ड, अर्थ की कोर से, अर्थ के अंदर से, अर्थ की इनसाइड से रेन उत्पन्न होती है, रेन डेवलप होती है। क्लियर? एट क्वेश्चन रीड करो। जब रेन उत्पन्न होती है या जब रेन डेवलप होती है, जब रेन का जन्म होता है ऐसा मान लो, तो रेन किस फॉर्म में होती है? तो आंसर है जब रेन होती है, उगती है, पैदा होती है, तो रेन ने स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में होती है जब वो पैदा होते हैं। मतलब जब रेन डेवलप होते हैं तो वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे बूंदों के रूप में होती है। क्लियर? नाइन्थ क्वेश्चन रीड करो। जब रेन क्वेश्चन नाइन्थ है, रेन कहाँ जाती है, बारिश कहाँ जाती है? तो जब रेन धरती से उगती है और ऊपर जाती है आसमान की तरफ, तो वो ऊपर जाके कंबाइन हो जाती है। कंबाइन होने का मतलब एक साथ आ जाती है और हाँ मिल जाती है साथ में, और जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो एक साथ जाके ऊपर आसमान में, हेवन में मिल जाते हैं। ठीक है? टेंथ रीड कर लो। छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती है रेन की वो मिलके क्या बन जाता है? जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है रेन की उसे मिलाकर क्लाउड बन जाते हैं, और वो जो क्लाउड ही रेस्पॉन्सिबल होता है बारिश को करने के लिए। ये मैंने अभी लिखवाया नहीं, आगे लिखवा दूंगी। तो कहने का मतलब ये जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक साथ मिलकर क्लाउड्स बनती है, और क्लाउड्स फिर अल्टीमेटली पानी देते हैं, बारिश होती है, जिसके द्वारा जो धरती के अंदर से पानी की बूंदे गई होती है, रेन गई होती है, वो वापस वहीं पे आ जाती है। क्लियर? एक बार देख लो इनके, पार्ट वन है, इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन आंसर्स में? ओके।